हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज, दिस इज़ राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी के बारे में। पाकिस्तान ने मैंगो डिप्लोमेसी के चलते कई सारी कंट्रीज़ को एक आम भेजा। इस आम की वैरायटी का नाम है चौसा आम। यदि आपने कभी आम में चौसा आम खाया होगा तो आपको पता होगा ये बहुत ही डिलीशियस आम होता है, काफ़ी टेस्टी होता है। यदि आपने नहीं खाया तो जाकर अभी खाइएगा, काफ़ी अच्छा आम होता है वैसे। लेकिन कई सारी कंट्रीज़ ने इसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट क्यों किया है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंग। वेल देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारी कंट्रीज़, तकरीबन 32 कंट्रीज़ को इन्होंने मैंगो डिप्लोमेसी के चलते यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बिहाफ में इतनी कंट्रीज़ को यहाँ पर आम भेजे गए, और यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको प्रॉपरली रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के जो रीज़न हैं वो इस समय जो साइट के गए हैं वो साइट के गए हैं कि कोरोना वायरस के चलते राइट नाउ जो क्वारंटीन रेगुलेशंस हैं इसके चलते फाइनली हमने रिजेक्ट किया है। और कई सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पर अफसोस भी जारी किया है कि हाँ, हम रिजेक्ट नहीं करते थे बट हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि हमें रिजेक्ट करना पड़ा बिकॉज क्वारंटीन के जो रेगुलेशंस हैं कोरोना वायरस के चलते, इसके चलते हमें रिजेक्ट करना पड़ा। वेल देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके प्रेसिडेंट जो हैं इनके बिहाफ में ये सारे के सारे आम भेजे गए थे। वेल देखिए, एज ऑफ नाउ देखा जाए तो इन्होंने इस बॉक्सेस को ना सिर्फ यहाँ पर इन कंट्रीज़ में बल्कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे आप सब मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ की बात कर सकते हैं, ईरान है, गल्फ कंट्रीज़ हैं, टर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, रशिया है, ऐसी कंट्रीज़ में भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैंगो के बॉक्सेस भेजे गए हैं। हालांकि देखा जाए तो यहाँ के जो फॉरेन ऑफिस है इन्होंने इमैनुअल मैक्रॉन को, जो कि फ्रेंच के साथ इनका जो रिलेशन है कोई खास है नहीं वैसे, लेकिन इनको भी भेजने की बात करी है। हालांकि इन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया प्रॉपर तरीके से। बहुत सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पर रिग्रेट किया कि हाँ, हम चाहते थे कि आपका जो जो मैंगो है उसको हम एक्सेप्ट करें, लेकिन उन कंट्रीज़ ने रिएक्ट किया कि हाँ, बिकॉज ऑफ द इशूज़ ऑफ यू नो क्वारंटीन एंड कोरोना, उसके कारण हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो यहाँ पे जैसे कंट्रीज जैसे कनाडा है, नेपाल है, इजिप्ट है, श्रीलंका, इन्होंने अफसोस भी जारी किया है। तो ये रहा बेसिकली मैंगो डिप्लोमेसी के बारे में। एनीवे, हालांकि आपको बता दूं, कंट्रीज लाइक इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, स्पेशली यदि हम बात करें आसपास की जो रीजन की बात करें, यहाँ पे आमतौर पे एक कल्चर होता है कि आपके घर में यदि कोई अच्छी चीज़ होती है तो उसको आमतौर पे पड़ोस में उसको देने का एक कल्चर है। लेकिन देखा है तो बहुत सारे कंट्रीज़ के समझ से बेसिकली परे है ये, इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने बेसिकली प्रैक्टिस किया आता है, बट एनी वे दैट्स डिफरेंट थिंग। इसीलिए कहते हैं कि भारत को एक कहते ना एक फेडरेशन, कन्फेडरेशन आप कह सकते हो, एक ऐसा फेडरेशन बनाना चाहिए था जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज, जहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल हैं, जो एक जैसी सोच रखने वाले लोग हैं, उनको एक साथ इकट्ठा होना चाहिए। हालांकि हमने किया भी था, इसकी तरफ एक पहल था, इसको बोलते हैं सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। लेकिन बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस, पर्सनल डिफरेंसेस को सामने रखकर हमने ऐसी कंट्री से दोस्ती की जबकि हमें पता है कि वो कंट्रीज हमारा एक्सप्लॉटेशन करेंगे, वो हमारा दोहन करेंगे। इसके बावजूद भी जो है हमारे बीच में आपस में तालमेल होने की बजाय, जैसे कहते हैं ना कि हमारे यदि इंडिया की बात करें तो आपको याद होगा कि जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे तो यहाँ पर उन्होंने एक एक करके लोगों को हराया। लोगों ने आपस में जो कोलैबोरेशन करना चाहिए, जो नेबरिंग कंट्रीज थे, नेबरिंग जो स्टेट थे उनको आपस में, जो पड़ोसी राज्य थे उनको आपस में कोलैबोरेशन करना चाहिए, उन्होंने आपस में कोलैबोरेशन करने के बजाय अंग्रेजों का साथ दिया अपने पड़ोसी को हराने के लिए। ऐसे यदि आप बात करें यहाँ पर मैसूर की बात करें तो टीपू सुल्तान को हराने के लिए यहाँ पर मराठाओं ने भी साथ दिया और साथ में निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने साथ दिया। जब मराठाओं की बारी आई तो मराठाओं को बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर ये आपस में लड़ने लग गए होलकरों के खिलाफ में, सिंधिया और जो पेशवा है ये आपस में लड़ गए। हालांकि इसके बाद देखा है तो अंग्रेजों ने फिर सिंधियाओं को भी फाइनली काउंटर किया, लेकिन यहाँ पर होलकर शांत रहे। तो कहीं ना कहीं जो इशू है यहाँ पर, जो कंट्री के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स थे उन्होंने उस समय साथ नहीं दिया, और वही चीज़ आज हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके आपस में रिलेशन जो है अपने निचले स्तर पर पहुँच गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक कन्फेडरेशन बनाने की जरूरत है जहाँ पर जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उनको साथ में आने की जरूरत है। यदि लाइक माइंडेड नहीं भी हैं तो भी उनके छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं उसको बेसिकली त्यागने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप इन छोटे छोटे इशूज को नहीं त्यागेंगे, ऐसी पॉलिटिक्स आप बाहर नहीं निकलेंगे, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स में आप नहीं आगे आएंगे, तब तक देश का विकास होना बहुत मुश्किल पड़ेगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पे सारी कंट्री सफर कर रही हैं, कंट्रीज के लोग सफर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आई होप सो कि आने वाले कल में यहाँ पर एक डेवलपमेंट होगा जहाँ पे कन्फेडरेशन, देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है वैसे, इस चीज़ को मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि ये तो हमारे देश में कल्चर होता है इस तरह से कि जो मैंगो है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हम आसपास के लोगों को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज ए गुडविल जेस्चर के रूप में, लेकिन सामने वाला उसको एक ऐसे रीजन को साइड करके उसको रिजेक्ट कर दे, ये काफी वैसे फनी है, बट एनीवे दैट्स ऑल।
तो ये रहा हमारा डिस्कशन। इसके अलावा देखा जाए तो आप लोगों के लिए हमने कई सारे बैच कोर्सेज लॉन्च किए हैं, यदि आप इन बैच कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती है। वैसे आपको बता दूं सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे दो क्लासेस हमारे प्लेटफॉर्म में हर एक दिन लाइव होती है, तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें स्पेशली जनरल नॉलेज का पोर्शन, जनरल स्टडीज का पोर्शन जो हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आप लोग हमारा बेसिकली यदि इन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं इन नंबर पे 8826033084। इस नंबर पे कॉल करके आप प्रॉपरली इन कोर्सेज को ज्वाइन भी कर सकते हैं, इसकी इंक्वायरी आपको दे दी जाएगी। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।